हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। तो दोस्तों ये IFB की वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसको जब हम ऑन करते हैं तो इसमें एक एरर शो करता है, इसी पे यह वीडियो है। पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना, आवाज़ आपको मैं बहुत ज़्यादा समझाऊंगा इसके बारे में। तो ये देखिए, हमारी वॉशिंग मशीन जब ऑन करते हैं, इसको प्रोग्राम पे लेते हैं, तो इसमें एक एरर आता है। तो इस एरर का मतलब है कि वॉशिंग मशीन में डूड राख ख़राब है या PCB भी ख़राब हो सकती है। देखिए, डोर ओपन प्लीज क्लोज ये लिख के आ रहा है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पूरी वीडियो जानकारी दूंगा। तो ये अगर ये आता है तो इसका मतलब है कि डोर लॉक स्विच ख़राब है या PCB ख़राब है, दो ही मकसद हो सकता है इसका। लेकिन हम आपको आज पूरा टेस्ट करके दिखाएंगे कि PCB ख़राब है या डोर लॉक स्विच ख़राब है। कभी कभी अक्सर क्या होता है कि हम डोर लॉक स्विच को चेंज कर देते हैं फिर भी नहीं चलती। तो चलो हम इसको ऑफ़ करते हैं और फिर हम एक बार ऑन करते हैं, फिर देखते हैं, फिर यही लिख के आ रहा है, फिर हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम डोर लॉक स्विच को बाहर निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस गेट को खोलना पड़ेगा। ये देखिए, ये हैंडल है, हैंडल पे हम हाथ लगा के गेट को बाहर खोलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डोर लॉक स्विच लगा होता है, तो ये दो स्क्रू को हम थोड़ा थोड़ा सा लूज कर लेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है, लॉक होता है। तो देखो ये, और ये दूसरा वाला भी, इसको चलो पहले हम स्प्रिंग को बाहर कर लेते हैं, तब हम डोर लॉक स्विच को बाहर जाते हैं। स्प्रिंग में हम लगाएंगे और ये स्प्रिंग निकाल लिए। अब इस गैस्केट के हम अंदर से पकड़ के डोर लॉक स्विच को हम बाहर निकाल लेंगे। तो आज बहुत ही नालेजदार वीडियो हमारी है। अब हम डोर लॉक स्विच को बाहर की तरफ निकालेंगे। अब फिर इसमें हम देखेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, इस डोर लॉक स्विच को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि डोर लॉक स्विच ख़राब है। तो इसको हम निकालने से पहले एक बार हम इस पर मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करके देखो, मार्किंग करके इसको एक दो नंबर और तीन नंबर, एक नंबर पे नहीं, दो नंबर तीन नंबर पे मार्किंग करेंगे क्योंकि डोर लॉक स्विच इसका ख़राब है। अब हमें इसको चेक करना है क्या डोर लॉक स्विच ही ख़राब हमारी। चलो हम इस डोर लॉक स्विच को बाहर निकालेंगे, फिर हम इसको डायरेक्ट चला के देखेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा ये डोर लॉक स्विच ख़राब है या नहीं ख़राब है। तो हमें पिन नंबर दो और तीन, अगर इसको उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है, फिर इसको हम सीधा लगाएंगे तभी लगेगा। तो ये इसी तरह लगेगा। तो हम पिन नंबर दो और पिन नंबर तीन पे मार्किंग कर दी है परमानेंट मार्कर से, इस तरह नहीं लगेगा, ठीक है। ये देखो नहीं बैठेगा, 100% नहीं बैठेगा। तो जिधर बैठना चाहिए उधर ही बैठेगा, ये ध्यान रहेगा, हाँ इस तरफ बैठेगा। तो हमने दो नंबर तीन नंबर पे पहले से मार्किंग कर दिया हूँ। अब हमें इस दो नंबर तीन नंबर पिन को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले से एक टुकड़ा ले रखे हैं तार का, इसको हम दो नंबर तीन नंबर पिन पे डालेंगे। हम पहले से ही मार्किंग कर रखे हैं, देखिए, तो दो नंबर और ये तीन नंबर पे इस वायर को हम घुसेड़ देंगे। और अब हम देखो इसको घुसेड़ दिए हैं जिस पे हम मार्किंग किए थे, दो नंबर तीन, एक नंबर पे नहीं लगाना है हमें, बस दो नंबर तीन पे देखो इसे हम लगा दिए हैं डायरेक्ट। ये हम डोर लॉक स्विच चेक करने के लिए, डोर लॉक स्विच ख़राब है या नहीं। अगर इसको निकालने के बाद हम दो तीन नंबर को आपस में शॉर्ट किए, देखो दो नंबर तीन नंबर ऐसे लगा हुआ था, तो दो नंबर तीन नंबर हम देखो मार्किंग कर रखे ब्लैक रंग के, इन दोनों तार को हम डाल दिए आपस में। अगर यह वॉशिंग मशीन चल जाती है, फील दिखाता है, समझ लेना कि हमारा डोर लॉक स्विच ख़राब है। अब देखिए हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखो अभी वॉशिंग मशीन पता चल जाएगा। और ये स्टार्ट का बटन पुश करते हैं और फिर देखो गेट लॉक, डोर लॉक हो गया है। अब देखो ये फील दिखाएगा, फील दिखाते समझ लेना कि हमारा डोर लॉक स्विच ख़राब था।
तो दोस्तों ये देखो ले लिया है, बिल्कुल ओके है। 1.5 लाख स्विच ख़राब था हमारा, इसलिए बिल्कुल सही हो गया। अब हम दूसरा इसमें 1.5 लाख स्विच हमारे पास नया था, और हम इसमें अब नया 1.5 लाख स्विच लगाएंगे, ठीक है। नया 1.5 लाख स्विच लगा के फिर इसको हम चालू करेंगे। एक मैं मार्केट से ले आया हूँ, फिर हम इस 1.5 लाख स्विच को इसमें लगा के और फिर चला के देखेंगे। चलो हम ऑन करते हैं और फिर चेक करते हैं। नया 1.5 लाख स्विच लाया हूँ, क्या ये वॉशिंग मशीन चलेगी या नहीं चलेगी, इसका गेट लॉक होगा कि नहीं लॉक होगा। अब दोस्तों हमने तो नया ही 1.5 लाख स्विच ले आया हूँ, इसमें लगा दिया हूँ, अब देखिए ये फिर भी बता रहा है 1.5 लाख ओपन प्लीज क्लोज। इसका मतलब हमने 1.5 लाख स्विच नया लाया अब फिर भी ये वॉशिंग मशीन नहीं चली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑन ही नहीं हो रही है। नया 1.5 लाख स्विच डाला हूँ। अब यहाँ पे दो बात होगी, या तो आपका जो नया 1.5 लाख स्विच ले आए होंगे वह ख़राब होगा, या तो आपके यहाँ वोल्टेज की कमी होगी। ये 200 के नीचे वोल्ट होगा, मतलब वोल्टेज की कमी होगी तो ये 1.5 लाख स्विच काम नहीं करेगा, 100% नहीं करता है। तो मैं क्या बताऊँ, चलो इसको हम ऑफ करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस की हम वोल्टेज चेक करेंगे। चलिए हम 1.5 लाख स्विच पे चलते हैं, इस 1.5 लाख स्विच को हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि हम ये 1.5 लाख स्विच लगाए और चालू नहीं हुआ, क्योंकि नया 1.5 लाख स्विच हम ले आए थे। तो अब चलते हैं हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं एक बार, इसमें कितना वोल्टेज है। तो ये अगर हम इसको उल्टा लगाना चाहें तो नहीं लगेगा, जिधर होगा ये उधर बैठेगा, ऐसे नहीं लग पाएगा कि आपने उल्टा लगा दिया इसीलिए नहीं चला था। तो ये ऐसा नहीं है, इस साइड ये लगेगा ही नहीं, जो जिधर साइड था वो उधर साइड लगेगा। नहीं तो आपके मन में दिमाग में आए कि हम उल्टा लगा दिए तो उल्टा ये लगेगा नहीं, टूट जाएगा भले, लेकिन ये लगेगा नहीं। तो ये ऐसे था, इसी तरह ही लगा हुआ था, इसी तरह लगा था ये। तो अब हमें इसकी वोल्टेज चेक करना है, कितना वोल्टेज था कितना वोल्टेज नहीं था। तो एक बात, सबसे पहले हम इसको दो तीन, क्योंकि अभी हम नया 1.5 लाख स्विच लगाए थे, तो एक बार फिर हम इस दो तीन स्विच, जो दो तीन नंबर पिन थी उस स्विच को, उसमें हम फिर वायर लगाएंगे, ये कनेक्टर में फिर से वायर लगा के, और फिर एक बार चेक करेंगे। हो सकता हो कि पीसीबी उड़ गई हो, 1.5 लाख स्विच ख़राब था, तो हम फिर एक बार चेक करते हैं। ये देखो दो नंबर तीन नंबर में लगा दिया हूँ इसे, अब हम देखो लगा दिया हूँ इसी में, ये दो तीन पिन पे लगा हुआ था। तो ऐसे लगा के अब हम पीसीबी की तरफ देखते हैं, क्या 1.5 लाख स्विच सही था हमारा। चलिए ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ये ऑन कर दिया हूँ, तो इसमें जो डिस्प्ले पे दिखा रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब ये गेट ले लिया तो इसका मतलब ये सही था, हमारा जो नया 1.5 लाख स्विच ले आया था वही ख़राब था। तो अब इसको हमें सही जानने के लिए देखना पड़ेगा इसकी वोल्टेज कितनी है, क्या इसमें वोल्टेज सही तरह से आ रही है या नहीं आ रही, उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये अब हम लगा रखा हूँ, वॉशिंग मशीन को चला भी दिया हूँ, तो वॉशिंग मशीन पूरा हमारा कार्य कर रही है डायरेक्ट लगाने पर। अब चलते हैं मल्टीमीटर से, आपको कुछ समझाते हैं इसमें, कि इसमें वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं क्या, क्योंकि अब वोल्टेज तो सही थी इसलिए ये वॉशिंग मशीन चल रही है हमारी। वोल्टेज अगर सही ना होती तो वॉशिंग मशीन ना चलती, क्योंकि हमें लगता है जो नया ही 1.5 लाख स्विच लाए थे वही ख़राब था। अब एक बार हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, कितना वोल्टेज, तो हम एक नंबर पे लगाएंगे, एक नंबर पे न्यूट्रल आया है हमारा, और किसी भी दो या तीन नंबर पे लगाते हैं। तो इसमें मशीन को ऑन करते हैं, आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कोई फॉल्ट कर दें। तो हम एक नंबर में इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, तो एसी वोल्टेज चेक करना है आपको, एक नंबर पिन पे लगाएंगे और तीन नंबर की पिन पे लगाएंगे, एक नंबर तीन नंबर, देखो इसमें 236 वोल्ट आ रहा है, मतलब इसको वोल्टेज भरपूर है। तो देखो वॉशिंग मशीन चल भी रही है,
बिल्कुल काम कर रहा है, तो वो जो हम नया 2.5 लाख स्विच लाए थे वही ख़राब था। देखो पानी ले लिया, वॉशिंग मशीन कार्य कर रही है, पूरी तरह से कार्य कर रही है। तो अब हम इस लॉक को निकाल लिए हैं जो इसमें, अब हम एक नंबर और तीन नंबर पे लगाए हैं, एक नंबर और तीन नंबर पे चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज आ रहा, दो नंबर पे बिल्कुल इसमें वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि वो जम्फर निकाल दिया। फिर एक नंबर तीन नंबर पे देखो 236 वोल्ट आ रहा है, तो अगर यहाँ पे 236 वोल्टेज आ रहा है तो ये समझ लेना कि आपका बिल्कुल पीसीबी सही है। अब फिर अगर यहीं से आप दो नंबर तीन नंबर को शॉर्ट करते हो तो फिर अगर वॉशिंग मशीन चल जाती है तो पीसीबी आपके 100% सही है, यही आपको चेक करना है। तो इसमें जो एक ग्रे वायर होगी, आप उस ग्रे वायर को भी चेक कर लें कहीं वो चूहा तो नहीं काट दिया ग्रे वायर को, क्योंकि एक नंबर तीन नंबर पे फेस न्यूट्रल की सप्लाई आती है। देखो अब निकाल दिया हूँ जम्फर, इसमें डोर ओपन प्लीज़ क्लोज। फिर हम देखो तीन नंबर दो नंबर फिर से लगा देते हैं, एक बार लगा दिया, ऊपर की तरफ चलते हैं, देखो पानी ले लिया मतलब सही हो गई, ये देखो चलने लगी। फिर जैसे निकालते हैं देखो ड्रम घूमना बंद कर दिया और यहाँ पे फिर लिख देगा प्लीज़ ओपन डोर ओपन प्लीज़ क्लोज। निकालते ही देखो यही हो रहा है, फिर हम नीचे देखो आ गया ना ओपन। फिर नीचे की साइड आते हैं, यहाँ फिर लगा देते हैं हम दो नंबर तीन नंबर पे, फिर देखो फीलिंग दिखा दिया। फिर इसको हम जैसे बाहर निकालते हैं ड्रम बंद हो गया, ड्रम चलना ही बंद हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा 2.5 लाख स्विच है जो सही है, हम उसको इसमें लगा देंगे और फिर वॉशिंग मशीन को चला देंगे। तो चलो हम 2.5 लाख स्विच इसमें लगा देते हैं, ये कैसे था उसी तरह लगेगा, इस तरह ये नहीं लगेगा। आप लगाना चाहोगे तो देखो नहीं बैठेगा, और इस तरह लगाओगे तो ये आसानी से बैठ जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको जो हमने जानकारी दी कि कभी कभी क्या होता है, हम नया 2.5 लाख जैसे इस 2.5 लाख को प्रेस करेंगे ना, अगर ये 2.5 लाख सही होगा तो लॉक हो जाएगा, देखो यहीं अटक जाएगा, ये अटक गया, इसका मतलब 2.5 लाख स्विच है। देखो पानी ले लिया 2.5 लाख, अब बिल्कुल ऐसे आसान चेक करना, आपको लगाते ही जैसे नया 2.5 लाख स्विच लगाए तो कनेक्ट करके बस यहाँ से आपको प्रेस कर देना है। तो चलो अब हम 2.5 लाख स्विच को लगा देते हैं, तो इसको भी ऐसे फिट करके स्क्रू लगा के पूरा गैसकेट के लगा दें। तो दोस्तों इसमें हम ये नहीं देखा कि 2.5 लाख स्विच नया भी ख़राब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नया लाए तो आप नहीं ख़राब होगा, तो नया 2.5 लाख भी स्विच ख़राब हो जाता है, ख़राब मिल जाता है कभी कभार। तो इसके लिए आपको 2.5 लाख स्विच लगाने से पहले जैसे जैसे हमने बताया आपको वैसे वैसे करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो आपको वोल्टेज भी चेक कर लेना है, तो अगर ये सब करने के बाद फिर भी 2.5 लाख ओपन प्लीज स्क्रू दिखा रहा तो फिर पीसीबी ख़राब हो सकती है, इस पर कोई दो बात नहीं है। तो अब इस गैसकेट को हम बराबर से बैठा देते हैं सही तरीके से, जैसे था उसी तरह से। तो इसमें हमने ये भी बता दिया कि अगर जैसे भी यह डोर ओपन प्लीज क्लोज को दिखाता है तो आप 2.5 लाख स्विच को बाहर निकालो और दो नंबर तीन नंबर के पिन को आपस में शॉर्ट कर दो। जैसे मैंने एक तार लगाया, जैसे ही वो शॉर्ट कर दोगे तो आपकी वॉशिंग मशीन चल जाए, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि 100% आपका 2.5 लाख स्विच ख़राब है। और अगर फिर भी दोनों को दो नंबर तीन नंबर शॉर्ट करने से नहीं चलता है तो आप दो नंबर की वायर को आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो एक बार तीन नंबर और एक नंबर पे आपको एसी वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कि वो कितना वोल्टेज बता रहा है। तो इस स्प्रिंग को हम इसमें लगा देंगे जो गैसकेट के ऊपर था, इसको हम बढ़िया से पहना देंगे, फिर इसे चालू कर देंगे बराबर से। तो ये गैसकेट हम इसे लगा देंगे, तो आसानी से इस प्रकार से आप 2.5 लाख स्विच की चेकिंग कर सकते हैं।
तो उसकी वोल्टेज भी चेक करके आप पता कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है वोल्टेज लो होने के कारण भी डोर लॉक स्विच सही तरह से कार्य नहीं करता है, हम उस पर भी परेशान रहते हैं। और नया भी डोर लॉक स्विच लाते हैं तो हमें भरोसा रहता है कि सही है, कभी कभार वो भी ख़राब हो जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमने इस पर डोर लॉक स्विच के बारे में बता दिया हूँ, कैसे आपको चेक करना है, कैसे इस वॉशिंग मशीन को चलाना है, वो सब आपको डिटेल बता दिया हूँ। तो दोस्तों ये पूरी गैसकेट हमारी लग गई है, स्प्रिंग भी लग गई है, अब ये हर जगह से इसको हम आसानी से बैठा देंगे। बैठ गया है तो अब हम गेट को बंद करेंगे और फिर वॉशिंग मशीन को चालू करेंगे। चलिए हम इसको ऑन करते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही तरह से कार्य कर रहा है वॉशिंग मशीन, ये देखिए इसमें हम दूसरा डोर लॉक स्विच डाल दिए हैं, पानी ये देखो लेना शुरू कर दिया है और ये ड्रम भी घूम रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।